माइंड के साथ रहिए, सबको जीना है, सबको जीने दो, तुम भी जीना है, मुझे भी जीने दो, ये नहीं है तुम्हारे नंबर के चक्कर में मेरा नंबर कौन कर रहा हूँ। सुनौती है तो आप मेरे साथ एक महीने काम करोगे फिर आपको आइडिया। टेंशन और प्रेशर है सर, चाहे वो फेलियर का हो सर, चाहे लव का हो, चाहे फैमिली प्रेशर हो, जैसे आपने सर दो बार सर क्रॉस किए सर, तो आप बस उस प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए सर, चाहे वो फैलियर हो, चाहे लव हो, चाहे फैमिली हो। ये बात बिल्कुल सही है, स्टूडेंट्स का प्रेशर रहता है, स्टूडेंट्स का प्रेशर रहता है, हमारा जैसे अधिकारियों का भी प्रेशर अलग रहता है, ये प्रेशर को पर हम ज्यादा प्रेशर बना के रखती है ना, तो प्रेशर से आप मुक्ति कैसे पाओगे? जब आप अपने पर ही फोकस रखेंगे, दूसरों पर ना रखे, अपने पर ही पूरा फोकस करो, जैसा हम अपने काम में, जैसा तो आप कह रहे हैं पेरेंट्स का जो प्रेशर है, हमारे मुझ पर पेरेंट्स का बहुत प्रेशर नहीं था, मगर फाइनेंशियली थोड़ा सा दिक्कत वाला टाइम था, मैं मेरा पिताजी के लिए मेरे लिए कुछ पैसा भेजना बड़ा मुश्किल काम, बट ठीक है, हम ये सोचते थे ये मेरा काम है, मुझे करना है, मुझे IAS बनना है, ये तय कर लिए मैंने, चाहे कितने भी मुश्किलें हो मैं सब पार करूंगा, तो मैं टीचरिंग का काम करते थे, टीचिंग करते थे, फिर पैसा मिलता था, पैसा मैनेज किया, फिर लव अफेयर भी था, बीच में लव था, तो लव हो तो फिर मैं जीवन में जो है मैंने एक चीज सीखा, किसी चीज को किसी चीज के ऊपर ओवरलैप मत होने देना, जिंदगी एक सर्किल मान लीजिए, एक ग्लोब है, उसमें आप सेक्टर्स में जब डिवाइड करेंगे तो हरेक का अलग अलग बॉक्स है, चाहे लव के लिए एक अलग बॉक्स है, और पढ़ाई के लिए एक अलग बॉक्स है, फैमिली के लिए एक अलग बॉक्स है, अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर लैप हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया। कई लोग क्या करते हैं, जैसे आपका लव है, लव हो तो मान लीजिए आपका लव फेल हो गया, तो जिंदगी को आपने बर्बाद कर दिया, देवता से बन गए आप, दो बार हो गया, ठीक है, ये चले गए तो चले जाने दो, फिर वो बॉक्स को यदि आप मारना चाहिए तो दूसरे से मारो, नहीं अगर वो बॉक्स को छोड़ दीजिए, तो जिंदगी में हर एक बॉक्स को अलग अलग ही रखिए, वापस मत होने देना, जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहा तो ऐसा था, हम लोग का कई पुलिस ऑफिसर ऐसा होता है, नौकरी जिंदगी है, अरे नौकरी जिंदगी थोड़ी है, नौकरी एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हम जी रहे हैं, साथ में मैं साहित्य को क्यों छोड़ दूं, अब आप साहित्यिक सम्मेलन, साहित्यिक का जो मेरा मित्र मंडली है सब, जहां भी मैं जाता हूं वहां जुड़ जाता है, तो क्योंकि वो मेरा अलग बॉक्स है, ऐसा नहीं है साहित्य की वजह से मैं नौकरी छोड़ दूं, ये भी नहीं है, नौकरी भी चलना चाहिए, बात समझे नहीं, ये दोनों की वजह से मेरा फैमिली सफर नहीं होना चाहिए, फैमिली का अलग बॉक्स है, उनका काम उनका टाइम उनके लिए दे देते हैं, भाई ठीक है, मैं जब भी मैं घर जाता हूँ मेरा बच्चों से जरूर मैं बात करता हूँ, आपको मैं बताऊँ बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छे इंटरेक्शन, और खासकर मेरा बेटी और बेटे से वो कहता रहता है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछता रहता है, ऐसा कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछते हैं, मैं भी ये करता हूँ, ये पोएम लिखता हूँ, इसका मीनिंग तुम बताओ कैसा है, तुमको कैसा लगा, तो मेरा कहने का मतलब यह है हर एक का बाप अलग अलग है, किसी के ऊपर ओवरलैप हो गया वो जिंदगी बर्बाद हो गया, आप समझ, राइट, चलो ओके।